अच्छा स्टूडेंट, तो मैं जब इनको प्रिंट कराऊंगा तो लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली मेरे पास जो है वो सेंसिटिविटी है। ये जो है मेरे पास स्पेसिफिसिटी है, और इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस वक्त इनको प्रिंट नहीं कराना है, मैंने इसको बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आइए अब हम इसको रन करते हैं। ये क्यों एरर देना शुरू कर दिया अचानक से, हमने क्या कोई गड़बड़ कर दी? ये यहाँ पर ठीक, क्या गड़बड़ हो गई? ठीक है, अच्छा जी, अब इसको चला लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कितनी परसेंटेज रही इनकी इंडिविजुअल की। तो जब मैं रन करूंगा इसको तो ये मुझे बता देगा कि ट्रू पॉजिटिव वाले की परसेंटेज कितनी है और यानी नेगेटिव वाले की परसेंटेज कितनी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं सेंसिटिविटी कितनी आ रही है, 44 आ रही है, और स्पेसिफिसिटी कितनी आ रही है, 89 आ रही है। आप बता सकते हैं कि कौन सा यानी पॉजिटिव डेटा जो है वो सही करेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? पॉजिटिव डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 44% रिजल्ट है इसका, और नेगेटिव डेटा का रिजल्ट 88 है। इसका मतलब है पॉजिटिव डेटा का रिजल्ट लो है काफी एज कम्पेयर टू नेगेटिव डेटा का। हो रहा है क्या, ये स्क्रीन से नजर आ रही है ना? हाँ, नेगेटिव भाई है, बिल्कुल सही सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल है वो इस वक्त जो 80% या 74% जो रिजल्ट दे रहा है वो ज्यादा, उसका वेटेज जो है वो नेगेटिव डेटा के ट्रूनेस की वजह से, सही नेगेटिव डेटा ज्यादा सही तरीके से प्रिडिक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। और इसका मतलब ये कि हमें इसको कुछ ही तरह से चेंज करना होगा, या फिर हम अब ये कह सकते, पहले तो हम ये कह ही नहीं पा रहे थे ना, पहले हम कह रहे थे यार 74% रिजल्ट है, यार रिजल्ट कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब ये कह सकते हैं कि रिजल्ट कम आ रहा है और इसकी वजह ये है कि 44% जो है वो ट्रू कम होने की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसमें प्रिसिशन भी निकाल लूं कि रिजल्ट प्रिसाइज हुआ हुआ या नहीं हुआ यार, तो प्रिसिशन का रिजल्ट था टीपी, ठीक है, डिवाइड बाय ब्रैकेट टीपी एन प्लस एफपी, ठीक है, यही था ना फॉर्मूला इसका। और अगर इसको भी हम प्रिंट करा लें प्रिसिशन को, तो हम कहेंगे प्रिंट, और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि पी आर को प्रिंट करा लें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये डेटा प्रिसाइज है भी या नहीं है हमारा, तो इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। लेकिन रिजल्ट प्रिसिशन का जो आ रहा है वो 67 आ रहा है, ये भी कोई इतना अच्छा, इसका मतलब है इसलिए कि आपका जो ट्रू पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसमें ट्रू पॉजिटिव यूज हो रहा है, तो ट्रू पॉजिटिव इतना अच्छा बेहतर अंदाज में रिजल्ट नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आपका प्रिसिशन भी जो है वो कम है। और इस और लेकिन अब आपने ये बताए बेसिक, और ये प्रिसिशन जो है वो अगर बढ़ानी है आपने तो यकीनन हमें इसको बेहतर करना होगा। तो वैसे ये दो रिजल्ट ही हमारे लिए काफी होते हैं जिससे हम काफी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है जी स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो आपको पता है कि हर दफा रिजल्ट चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, पहले 80 आया था, फिर 77 आ गया, फिर एकदम से 75 हो गया, और ये इनकी वैल्यूज भी चेंज हो रही है। आपको पता नहीं क्यों चेंज हो रही है वैल्यूज? इसकी वजह ये है, अभी मैं अगली दफा चलाऊंगा तो फिर चेंज हो जाएगी ये रिजल्ट, रैंडम फॉरेस्ट चलाया था, लेकिन 134 से ये चेंज हो जाएगा। हर दफा मॉडल रीट्रेन हो रहा है, और वो टेस्ट डेटा के लिए जो 30% इस्तेमाल करता है ना, वो रैंडम लेता है, इस रैंडम की वजह से हर दफा आपको जो है वो डिफरेंट जो वैल्यूज जो है वो मिल रही होती है। अब देखिए 140 हो गया यहाँ पे, और रिजल्ट आपका 75 से 78 हो गया, हर दफा आपके पास जो है ना वैल्यूज जो है डिफरेंट आ रही होती है। अब वो कहता है कि मैं बेसिकली इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो है कि हम क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करें। अब आइए क्रॉस वैलिडेशन की तरफ चलते हैं जी सर।
नाउ वी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव आवर रिजल्ट, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो इम्प्रूव करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा वो है क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप जो मेथड टेस्ट डेटा को पिक करने का कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें ताकि रिजल्ट जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो सॉल्व हो सके. तो क्रॉस वैलिडेशन की चार मेजर कैटेगरीज हैं. यार मुझे कहीं जाना है तो मैं ब्रेक नहीं दे सकूंगा, मैं आपको 2:30 पे या फिर इस तरह से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है? तो इसलिए अभी ब्रेक नहीं दे सकूंगा, मैं जल्दी ऑफ कर दूंगा ताकि मैं जो मुझे कहीं अभी 2:30 पे या 2:45 पे जाना है तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा. अच्छा मैं कह रहा था कि क्रॉस वैलिडेशन जो यहाँ तो आसान था ना, मुश्किल अभी तक हमें नहीं पढ़ा, कोड भी लिख के दे दिया मैंने आपको. अब आप आगे चलें तो ये और उससे भी ज्यादा आसान है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिर्फ 4 स्लाइड्स रह गई हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, और मैं ये कह रहा था कि क्रॉस वैलिडेशन एक ऐसा टेक्निक है जो कि बेसिकली आपकी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करता है. वैसे तो हम मैनुअली और बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेट करने के लिए कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता और मैं डायरेक्टली क्रॉस वैलिडेशन का मेथड लगाता हूँ. क्रॉस वैलिडेशन अब अगर पूछे क्या होता है, आप कहेंगे कि भाई जो हमारे डेटा ट्रेनिंग डेटा के अंदर और जो टेस्ट डेटा पिक किया जाता है उसके अंदर जो इम्बिग्यूटीज होती हैं, जो बायसनेस होती है, उसको बेसिकली कम किया जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दोबारा बताता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली ट्रेनिंग और टेस्टिंग की जो पिकिंग पिकिंग मैकेनिज्म है, जो पिक करने का मैकेनिज्म है कि किस तरह डेटा जो है पिक किया जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था ना बैगिंग है, और ये तो डेटा के पिक करने के अंदाज में जो मेथड इख्तियार किया जाएगा जिससे हम अपने बायसनेस को जो है वो कम कर सकें, अपने प्रॉब्लम को कम कर सकें, उसको बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन. इसके 4 टाइप्स हैं डेटा पिक करने के. एक है होल्ड आउट मेथड, 4 से मुरादा और होंगे लेकिन हम 4 स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और भी हैं, तो होल्ड आउट मेथड. और फिर एक कहलाता है क्रॉस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, सीवी का मतलब क्रॉस वैलिडेशन, और है एक ला है बूट स्ट्रैप्स मेथड, ठीक है? बूट स्ट्रैप मेथड्स में जो है वो अब हमें देखना है कि इन मेथड्स को हम किस तरह देखते हैं. और अगर आपसे कहा जाए कि अपने डेटा को, यानी जो आपको अभी पिछले वक्त में दिखा रहा था मैं, कि 30% अलहदा कर दो, बल्कि उस मेथड से ना करो, बल्कि मैं उस आपसे कहूँ कि भाई बूट स्ट्रैप मेथड लगा दो या के फोल्ड मेथड लगा दो, तो फिर आप कहेंगे अच्छा तो मैं अब डायरेक्टली स्प्लिट का मेथड नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं अब क्रॉस वैलिडेशन का मेथड लगाऊंगा और उस क्रॉस वैलिडेशन के अंदर के फोल्ड अप्लाई करूंगा. अब उससे क्या फायदे होंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये 4 मेथड बस हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर आपको आपसे सवाल लेते हैं. क्रॉस वैलिडेशन तो कहता यह है कि होल्ड आउट मेथड, होल्ड आउट मेथड वही है जो भी हम कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग, इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना. यानी जो अभी आप डेटा को डिवाइड करने का मेथड कर रहे हैं कि आपके पास जो डेटा है, देखना गौर से, ये अवेलेबल डेटा है, टोटल डेटा जो आपको दिया गया, ठीक है? ये टोटल डेटा जो आपको दिया गया, इसमें आपने एक पार्ट जो है वो कट करके अलग कर लिया टेस्ट के लिए और एक पार्ट जो है वो आपने ट्रेनिंग के लिए रख लिया, ठीक है? अब ये जो टेस्ट है ये रैंडम हो सकता है, लेकिन एक पोर्शन है जो कि आपने टेस्ट के लिए अलग कर लिया और एक पोर्शन जो है वो टीआर के लिए अलग कर लिया. ये जो मेथड इख्तियार किया जाता है इसको हम बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन का होल्ड आउट मेथड करते हैं. व्हेन एवर यू विल पिक अ सिंगल टेस्ट, यानी एक ही दफा कोई टेस्ट निकाल लिया जाए, बस वही टेस्ट जो है वो आगे आपके मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको कहते हैं होल्ड आउट मेथड. यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने डायग्राम दी है, मैंने तो बनाई थी लेकिन इन्होंने भी डायग्राम दी हुई है. कहता है अभी लेता हूँ सवाल. द होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. इन दिस मेथड यू रेंडमली असाइन डेटा पॉइंट टू टू साइज सेट. आप इसमें 2 साइज में रेंडमली डिवाइड कर देते हैं. द साइज ऑफ द सेट डज नॉट मैटर. साइज कितना होना चाहिए आपकी मर्जी है. 30% ट्रेनिंग किया और 30% टेस्ट किया, 40% कर दें, 50%, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. एक पार्ट को ट्रेनिंग और एक पार्ट को जो है वो क्या कहा जाएगा, टेस्टिंग, और ये रैंडम होता है, ठीक है? एक हम दिखाते हैं इस तरह से हैं कि नीचे से पिक किया, ये इस साइड से पिक किया, ये इस साइड नहीं होता, ये 2 पोर्शन दिखाए हैं. वैसे भी पिकिंग जो है वो रैंडमली होती है कि रैंडमली इस पिक कर लो, इसी वजह से आपने देखा था अभी कोड में भी वो चीजें आपको नजर आ रही थी, ठीक है ना?
तो ये आपके पास जो है वो होल्ड ऑन मेथड है जो आप अभी कर रहे हैं। स्प्लिटिंग का जो मैकेनिज्म अभी आप यूज कर रहे हैं और अब तक जितने भी मेथड में यूज किए वो क्रॉस वैलिडेशन का होल्ड ऑन मेथड है, और ये अच्छा मेथड है लेकिन इससे हमारी बायसनेस रुक नहीं पाती। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो है बेसिकली के फोल्ड मेथड। के फोल्ड मेथड को हम कहते हैं, के फोल्ड मेथड क्या होता है कि जब आप अपने आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो पॉजिटिव डेटा के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे और बायस बायसनेस हो रही है कि वो नेगेटिव डेटा का रिजल्ट जो है वो बेहतर आ रहा है, तो फिर आप के फोल्ड मेथड लगा दें। के फोल्ड मेथड क्या होता है मैं डायग्राम से पहले समझाता हूँ फिर इसकी रीडिंग कर लेंगे। के फोल्ड मेथड ये है कि आप अपने डेटा को स्पेसिफिक एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जितने पार्ट में भी आपने करना है डिवाइड कर ले। इसने कहा है कि मैंने अपने डेटा को के पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 1000 डेटा है, ठीक है, 1000 डेटा है, तो आपने कहा कि मैं उसको 300 या 250 से डिवाइड कर लूंगा। 250 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास कितने हिस्से आ जाएंगे, इसके 4 पार्ट आ जाएंगे। और सुनना, ठीक है, या 200 से, अभी मैं 200 लिख देता हूँ उसकी वजह नीचे वाले डायग्राम में, 200 से डिवाइड कर, 200 से डिवाइड करूंगा तो कितने पार्ट आ जाएंगे इसके, 5 पार्ट आ जाएंगे इसके, ठीक है। यानी मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1000 डेटा है और 200 जो आपके पास इससे आपने डिवाइड किया, यानी 200 का पोर्शन बना जाते हैं तो 5 पार्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए ये 5 पार्ट बन गए आपके, जो 5 पार्ट्स आपके बनेंगे यानी इस टोटल डेटा के जो 5 पार्ट्स आपके पास बनेंगे, उन 5 पार्ट में से पहले आप इस डायग्राम को अगर छोड़ दें तो आप इन 5 पार्ट में से पहले आप पहले पोर्शन को टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम को ट्रेनिंग के इस्तेमाल करेंगे। बाकी तमाम एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, यानी अब ये कोई पोर्शन नहीं है, बेसिकली ये सारा का सारा डेटा ट्रेनिंग के लिए आ गया और ये डेटा जो है वो टेस्ट के लिए चला गया, ठीक है। इसके ऊपर आप अपने काम को करेंगे, इसके ऊपर आप अपने आप को काम करेंगे, उसके बाद फिर आप सेकंड पे चले जाएंगे, यानी सेकंड से मुराद ये है इस पे सारा रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, सारा रिजल्ट जो प्रिडिक्शन आपकी है वो प्रिडिक्शन करेंगे। फिर आप जो है वो इस डेटा को ट्रेनिंग में शामिल कर देंगे TR में, और ये वाला जो पार्ट है उसको टेस्ट में डाउन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पार्ट और इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट, ये सारा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो ट्रेन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और ये वाला टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यही काम करेंगे, और किस तरह करेंगे कि फिर आप इसको भी ट्रेन में शामिल कर देंगे TR में और ये टेस्ट में चला जाएगा, और सिमिलरली हर एक के लिए करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन बनाए तो उसको 5 दफा रन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, लेकिन हर जगह से टेस्ट डेटा जो है वो पिक हो जाएगा, किसी एक रीजन से पिक नहीं होगा, तो जो बायसनेस है वो मिनिमाइज हो जाएगी। और फिर उन 5 रिजल्ट्स को देखते हुए फाइनल रिजल्ट जो प्रेडिक्ट, जैसे हम कहते थे ना कि मेजोरिटी वोटिंग कर दें या फला कर दें फला कर दें, उस बेसिस पे रिजल्ट जो है वो प्रेडिक्ट होकर आपको आंसर दे देंगे। तो ईच टाइम ऑन वन ऑफ द के सबसेट इज यूज एज अ टेस्ट, देखिए फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, ईच टाइम वन ऑफ द के सबसेट इज यूज एज द टेस्ट सेट एंड द अदर के माइनस वन, अगर के तो मैं डिवाइड किया तो अदर के माइनस वन सबसेट आर पुट टूगेदर टू फॉर्म अ ट्रेनिंग सेट, और बाकी जा रहे जो है वो ट्रेनिंग सेट के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप सोचेंगे कोड लिखूंगा तो यार ये 5 हिस्सों में डिवाइड करना भी मुझे पड़ेगा, एक हिस्से को अलग भी मुझे करना, नहीं, आपके पास इसकी लाइब्रेरी मौजूद है क्रॉस वैलिडेशन की। क्रॉस वैलिडेशन में आपसे बता दें कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, के फोल्ड करना चाहते हैं, के फोल्ड पास कर दें, और फिर ये बता दें कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो के फोल्ड अप्लाई करके आपको रिजल्ट भी दे देगा और फाइनल रिजल्ट बता देगा कि इसका रिजल्ट ये है, ठीक है। तो मैं भी सवाल लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड बेसिकली के फोल्ड मेथड। उसके बाद है लीव वन आउट। लीव वन आउट इज अ कॉस्टली प्रोग्राम, अगर आप लीव वन आउट करना चाहते हैं, और वो एक कॉस्टली जो है वो मेथड है, ये बेसिकली अपग्रेड वर्जन है आपके के फोल्ड का। दोबारा बता रहा हूँ, आपका के फोल्ड का अपग्रेड वर्जन है लीव वन आउट। लीव वन आउट क्या करता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपके के फोल्ड काम कर रहा है वैसे लीव वन आउट करेगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि ये पोर्शन नहीं बनाएगा बल्कि जितना डेटा है उस सब को कंसिडर करके वन बाई वन, देखो वन बाई वन,
यानी मिसाल के तौर पे इसमें गौर सुनना, 1000 डेटा है तो लीव वन आउट क्या करेगा, लीव वन आउट ये करेगा कि इस 1000 में से सबसे पहले 999 को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, लीव वन आउट, वन का मतलब बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो पहला होगा उसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेगा, टेस्ट के लिए एक डेटा ले लेगा पहला वाला, ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, उसको वेरिफिकेशन कह रहे हैं, टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद इसका रिजल्ट प्रिडिक्ट हो जाएगा इस वाले ट्रेनिंग, फिर उसके बाद फिर अगले वाले को अगले पार्ट में से इसको टेस्ट ट्रेनिंग में शामिल करेगा, इसको ट्रेनिंग में शामिल करेगा, इसको ट्रेनिंग में सबको ट्रेनिंग में शामिल करेगा, और इसको जो है बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, और इस तरह से एक एक पोर्शन बनाएगा, यानी हर एक के लिए एक एक एलिमेंट बनेगा, वहां तो ग्रुप ऑफ सेट बन रहा था ना के फोल्ड में, यहाँ पे एक एक एलिमेंट बनाएगा और एक एक एलिमेंट को फिर जो है वो टेस्ट कर रहा होगा सब। इस तरह से बिल्कुल के फोल्ड ही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिस इज सेम एज अ के फोल्ड, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन इज अ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेकिंग टू इट्स लॉजिकल एक्सट्रीम विथ k इक्वल टू n, यानी अब k इक्वल नहीं बल्कि जितना डेटा उसी से उसको पूरे एक एक करके डिवाइड करेंगे, द नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट इन द सेट, दैट मींस दैट n सेपरेट टाइम्स द फंक्शन अप्रोक्सीमेट इज ट्रेन ऑन ऑल द डेटा एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, सारों के लिए ट्रेन होता है सवाय एक के लिए, एंड अ प्रिडिक्शन इज मेड फॉर द पॉइंट, और उसके लिए जो है प्रिडिक्शन जो है वो की जाती है। तो ये बेसिकली लीव वन आउट का मैं सवाल लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। और लास्ट मेथड है वो है बूटस्ट्रैप को हम पढ़ चुके हैं, बूटस्ट्रैप हमने भी थोड़ी देर पहले रैंडम फॉरेस्ट में पढ़ा था, ये वही बात है कि आप बूटस्ट्रैप में क्या करते हैं कि आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा होता है, बिल्कुल के फोल्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे के फोल्ड में आपके पास रिपीटेशन नहीं होती कि अगर ये वाला पार्ट आपने ट्रेनिंग टेस्ट के लिए ले लिया तो दोबारा इसमें से कोई डेटा टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, अब अगला वाला डेटा टेस्ट होगा फिर अगला वाला डेटा, तो इसमें कोई डेटा टेस्ट के लिए नहीं होगा, ये पोर्शन बना देता है, रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें जो बूटस्ट्रैप है इसमें बेसिकली है तो के फोल्ड ही, लेकिन क्या करता है ये पहले वो इसमें से जो पहला b1 बनाएगा, बूटस्ट्रैप बनाएगा, यानी पहला जो पार्ट बनाएगा अलग करने के लिए टेस्ट को और ट्रेन को, तो जो पहला सैंपल बनाएगा वो इसमें से पिक कर लेगा, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर टेस्टिंग करेगा, और उसके बाद फिर जब दूसरा पार्ट पिक करेगा तो उसके अंदर इसमें का भी कुछ डेटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस सूरत में जब दूसरा पिक करेगा तो ये डेटा सारे के सारे इसमें चले जाएंगे और ये दोबारा से न्यू सेट बनेगा, यानी वही डेटा अवेलेबल डेटा होगा, और यहाँ से इसको पिक करके जो है वो बेसिकली दूसरा सेट बनेगा, तो जब दूसरा सेट बनेगा सेकेंड टाइम सेकेंड फोल्ड के लिए, तो हमने पहले तो ये कहा था कि भाई फिक्स कर दिया था ये अगर सेट हो गया और ये सेट हो गया ट्रेनिंग के लिए तो ये पहला टेस्ट हो गया, उसके बाद जब हमने हटाया और हमने कहा कि अब ये टेस्टिंग के लिए है और ये सारे, तो इस वक्त यहाँ पे जो टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है उसमें यहाँ वाला कोई डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हम, लेकिन बूटस्ट्रैप ये नहीं कह रहा, बूटस्ट्रैप कह रहा है कि आपके पास डेटा है, आपने इसमें से कहीं से भी b1 उठा लिया, मुझे नहीं पता रैंडमली कहीं से भी, ये रैंडमली है, ये रैंडमली नहीं था, यहाँ आपने कट किया था बकायदा, ठीक है, यहाँ पे रैंडमली कहीं से भी, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आपने यहाँ से b1 उठा लिया, ठीक है, b1 उठाने के बाद जो भी एलिमेंट बच गया है उसको आपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, ट्रेनिंग के लिए, ये टेस्टिंग के लिए ले लिया आपने, मिसाल के तौर पर इस पर प्रिडिक्ट कर लिया आपने मॉडल को। उसके बाद फिर जब आप b2 बनाने जाएंगे तो b1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा उस वक्त, अब डेटा फिर सारा का सारा अवेलेबल है, आप b2 लेने जा रहे हैं, हो सकता है कि b2 इस तरह ले लें, आप समझ आए b2 इस तरह लेने का मतलब, हो सकता है कि थोड़ा सा पार्ट जो b2 में b1 जो पहले लिया गया था उसका आ जाए, इसमें ऐसा नहीं हो सकता था k फोल्ड में ये अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ये अलाउ है, ठीक है, और फिर आप इसको और इस तरह से आप n फोल्ड बना के इनके रिजल्ट को आपस में फ्यूज कर लेते हैं, कॉन्सेंबल कर लेते हैं, इस तरह से ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो आपका रैंडम फॉरेस्ट है वो इसी तरह बूटस्ट्रैप करता है, डेटा लेता है और उसको फिर दोबारा रख देता है, दूसरा पिक करता है, तो इसी तरह से पिक करता है, ये वो मेथड है जिससे आप अपनी डेटा के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और उसकी मॉडलिंग को अच्छा कर सकते हैं, और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो के फोल्ड है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो वीक है उसमें आप के फोल्ड को ना अपने जो पीछे आपने मॉडल बनाए हैं लॉजिस्टिक के और KNN के उनको जो है ना क्रॉस वैलिडेशन, मैंने अभी कोड लिखा नहीं है इसका, तो मैं इसको अगली क्लास में कोड लिख के आपको शो करूंगा, अभी फिलहाल जब तक आपके पास टाइम है आप खुद इसका कोड लिख के जो है वो ट्राई करें कि ये जो है वो किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक।
और आगे बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा कहीं जाना है मुझे, और आप भी थक गए होंगे, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ हमें रोक देना चाहिए। अगला टॉपिक हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग है, जो हमें कंटिन्यू करना है। मैं एक सवाल आपको, देखें अगली क्लास से शायद कोर्सेज शुरू हो जाए, ठीक, अगली क्लासेस से शायद कोर्सेज जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि 10 तारीख तक शायद हमने कहा गया था कोर्सेज आप पे बर्डन ना डाला जाए, तो आप बी प्रिपेयर की अगली क्लास में शायद मैं कोर्स ले लूँ। तो अब मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, जो सवाल है आप दे लें, फिर मैं अटेंडेंस भी लेने की कोशिश करता हूँ किसी तरह से। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं इसी का आंसर देता हूँ एक एक करके। एक सवाल है बोलो। सर, हम लोग अभी मतलब ये जो हम लोग जितनी टेक्निक्स लगा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जो डेटा ट्रेनिंग का डेटा अलग कर दिया, टेस्ट का डेटा अलग कर दिया, उसे प्रेडिक्शन कर दी, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? मतलब प्रेडिक्शन करने के बाद अगर हमारे पास 5 मुख्तलिफ डेटा साइट्स के अंदर 5 मुख्तलिफ प्रेडिक्शन आ गई हैं, उसके बाद क्या होगा? तो आपका मॉडल जो बनेगा ना, वो बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन पे मॉडल बनेगा। यानी आपका मॉडल, आपने 5 डिफरेंट, अब देखें आपने क्रॉस वैलिडेशन जब लगाएंगे ना, तो क्रॉस वैलिडेशन क्या करेगा, उन 5ों को इस्तेमाल करके एक मॉडल बना लेगा। समझ आई बात? और मॉडल जो तैयार होगा उसमें से उस मॉडल को अपने पास सेव कर लेगा। अब जब कोई मतलब जो एक्चुअल रियलिस्टिक डेटा आएगा टेस्ट होने के लिए, तो फिर वो उस मॉडल से टेस्ट करेगा जो उनका मर्ज मॉडल होगा, यानी मेजोरिटी मतलब वोटिंग। हम लोग जो अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं, वैसे वैसे नहीं होगा? वैसे हम लोग पहली वाली टेक्निक यूज करते थे खाली। हम लोग से पहली टेक्निक यूज करते थे, और ऐसे ये देखो फिर मैं बताता हूँ कि आप समझ नहीं एक्चुअली सर, रहे। सॉरी यार, मैंने सुना है कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट की जो इंक्वायरी होती, अच्छा हम लोग जो है ना ये यूज करते थे। अब आप अभी इसी को सोच लो ना, खाली इसको सोचोगे तो क्या करते थे आप, इससे आप अपने मॉडल तैयार करते थे, और मॉडल तैयार करने के लिए जो आप टेस्ट डेटा बाहर निकालते थे, आप कहते थे ये जो ट्रेनिंग अवेलेबल है इस पे मैंने ट्रेन कर लिया। लेकिन आप ये तो देखो कि जो आपने एक्चुअल गिविन डेटा से जो टेस्ट अलग किया है, वो ये बता रहा है कि आपने जो ट्रेनिंग की है ना, ये सही नहीं है। यानी जो डेटा ट्रेनिंग, और सुनना, मिसाल के तौर पर मैंने इस डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करके बैठ गया मैं, और टेस्ट डेटा ने रिजल्ट दे दिया। अब रियलिस्टिक डेटा आया, रियलिस्टिक से मुराद है कि कोई एक्चुअल डेटा, ये तो हमें प्रोवाइडेड टेस्ट था ना, अब बाहर से कोई टेस्ट डेटा आया एक्चुअल, हमें इसका पता ही नहीं रिजल्ट क्या होगा। तो वो जब इसको प्रिडिक्ट करेगा, और अगर ये ट्रेनिंग मॉडल ही बायस बना हुआ हो, सही ना बना हुआ हो, तो फिर तो ये एक्चुअल रिजल्ट भी इससे सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं हो सकेगा ना। तो हम कहते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ऐसा मॉडल यूज करें जो सही रिजल्ट जो है प्रोवाइड करें। तो वो कहता है कि ट्रेनिंग हम इस तरह करेंगे कि बारी बारी इसको कट करेंगे, और फिर इनको मर्ज कर देंगे, फ्यूज कर देंगे इनके रिजल्ट्स को, तो वो ट्रेनिंग मॉडल जो है वो हमें इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के अंदर आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली कहता है क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि इसकी इम्प्लीमेंट भी करो, दूसरा ये कि इसकी थोड़ी सी नॉलेज ना खुद भी पढ़ो, तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ जाएगा, कि क्योंकि ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, हम कर तो रहे नहीं हो रहे थे, मतलब देखने में बड़ी दुश्वार होती है, तो ये तो सिर्फ बताई जाती है कि इस तरह हो रहा होगा। ठीक है, तो एक दफा पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो फिर हम अगली क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, इतना डिस्कस कर लेंगे जो रिविजन कर रहा होता है ना पिछली क्लास का, तो उस हिसाब से हम इसको जो है वो बता देंगे कि भाई। और अगर मुझे कहीं से इसका डायग्राम मिल गई नेट पे, तो मैं उसके डायग्राम से शो, इससे बेहतर डायग्राम के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के वक्त क्या हो रहा होता है, ये तो हमने समझाने के लिए बताया ना, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त क्या होता है, फिर मैं वो बात भी आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट। लेकिन मीन वाइल जो है वो आप इसको रीड आउट जरूर करना। अच्छा देखो, हम बिफोर गो लीविंग मैं आपको दो बातें बताऊं, कि मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में जो है ना वो क्विज़ेस शुरू हो जाए, तो आप इस टॉपिक से जो हमने अभी पढ़ा है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, और उसके कोड को पढ़ लेना, ताकि थोड़ा सा 2, 4, 5, 8, 10 नंबर का क्विज ले सकूं, ताकि आपके काफ़ी अरसे से जो है वो जंग लग गया है लिखने की सलाहियत में, तो वो लिखने की सलाहियत जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाए। वैसे मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस सेंस में कि मुझे कम से कम किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलना पड़ता कि अब्दुल वहाब 100 किलो उड़ जाओ, और तला जैन तुम जो है वो अब्दुल वहाब से दूर होके बैठो, इन चीज़ों से आज़ाद हो गया मैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा खैर, तो ये मैंने पहला टास्क ये दिया है कि आप जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो, और
इसके बाद क्रॉस वैलिडेशन पढ़िएगा। देखो मुझे लगता है जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके सवाल खुद ब खुद हल होने शुरू होंगे। हुज़ैफ़ा एक बात तो ये हो गई, ईजी होगा क्विज, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता होता, फिर 10 के बाद भी रोक दें, इतना टेंशन ना लो। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने प्रोजेक्ट की तरफ जाना है और प्रोजेक्ट करना है, राइट? तो मैं एक दो प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट करता हूँ। आपसे मैंने ये भी कहा था कि आप भी प्रोजेक्ट देखिए अपने लेवल का क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं दूंगा तो फिर आप कहेंगे सर ये तो हैवी है, सर ये तो मुश्किल है। वहाँ पे एक दफ़ा नेट पे जाएं, चार दोस्त जो मिलके बनाना चाहते हैं उसकी कोड करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप कैगल के दो डेटा सेट को डाउनलोड करें, जिसमें से एक टाइटैनिक का डेटा सेट है और एक है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। इन दोनों को पे आप अपनी रिजल्ट्स लगा के देखने की कोशिश करें और इसको कैगल पे सबमिट करा के मुझे शो करें। ये भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है? इसमें आप डेटा साइंस की बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इसमें अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लोगों ने रिजल्ट निकाल के रखे हुए हैं। ये बेसिकली, तो मैं अगर आप बोलेंगे तो डेटा मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करें कि भाई मुझे इस पे काम करना नहीं करना। दूसरी बात ये कि आप फेस रिकग्निशन के ऊपर जा सकते हैं कि फेस रिकग्नाइज करना है मुझे, ठीक है? फेस रिकग्नाइज करने के लिए आप मशीन लर्निंग के मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़े होंगे। तो इस तरह के आप मॉडल को निकालें, जैसे अगर आप डेटा सेट लेना चाहते हैं, मतलब सिंपल डेटा सेट लेना चाहते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट और या कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट निकालें, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि भाई अभी दो टीम खेल रही हैं तो क्या प्रिडिक्शन है कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर रिजल्ट जो है वो जीतेगी, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल हैं जो आप बना सकते हैं। मैं आप बोलेंगे तो मैं भी आपको पढ़, लेकिन आप अपने, क्योंकि अगले दफ़ा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी FIP करेंगे, कुछ हैं जो कर रहे हैं, तो आप खुद अपने जो है ना वो निकालने की कोशिश करें, क्या कहते हैं प्रपोजल, ताकि आपको अंदाज़ा हो। चलो मैं इंशाल्लाह, आज क्या दिन है, आज है ट्यूसडे, थर्सडे तक गूगल क्लासरूम में रख दूंगा अपना, अपने तौर पर जो मैं सोच रहा हूँ, फिर आप जो सोचते हैं वो कर लें, ताकि हम अगले वीक ना आपसे प्रपोजल ले लें। अभी मैं किसी से कहूंगा प्रपोजल ले, तो मुझे सब बोलेंगे कि क्या हो गया, एंड चल रहा है प्रपोजल ले रहा, सारी दुनिया ने प्रपोजल डिस्ट्रीब्यूट शायद कर दिए, हम तो बहुत लेट हो गए। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम प्रपोजल का फाइनलाइज कर दें। जो नहीं कर सकता वो थोड़ा सा लो कैटेगरी भी जाकर करे, कोई कर सकता है तो वो उसको थोड़ा हाई कैटेगरी भी जाकर, जैसे मैंने कहा था COVID-19 पे करें या हार्ट डिसीजेस के ऊपर करें, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस की बड़ी बूम है, तो इन चीज़ों पे भी कर सकते हैं। आप अपना मॉडल मुझसे डिस्कस कर लें, मुझसे टाइम ले लें, जैसे मुझसे ने टाइम लिया और दो फीमेल स्टूडेंट जवेरिया लोगों ने टाइम लिया, तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको बता दूंगा किस टाइम पे आप आ जाएं, तो हम उस टाइम पे 10-15 मिनट के डिस्कशन करके आपको प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे, समझा भी दूंगा कैसे करना है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट को सीरियस लें, ताकि अब हमारे पास टाइम कम है तो उस प्रोजेक्ट को हम निपटा सकें, आस्ते आस्ते करें ताकि हम उसको जो है प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर सकें, ठीक है? तो दो काम दिए मैंने आपको, सिर्फ एक तो ये पढ़ना है आपने और दूसरा प्रोजेक्ट की तरफ आपने सोचना है क्या करें, ठीक? मैं अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस की ना, तो आप काइंडली उस पर मैं कॉल करता जाऊँगा, टिक लगाते जाऊँगा, ताकि हमारी अटेंडेंस उसी में हो जाए। अच्छा जी, ये क्या है, ये दो मिनट क्लियर करते हैं, हाँ मैं करता हूँ, म्यूट करता हूँ, मैं नाम कॉल करूँगा, आप बताते जाइएगा। ये स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको नजर ही आ रहा है नाम, नहीं सर हमें वो शीट शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्लाइड शो हो रही, नहीं सर हो जाएगी, मिल जाएगी, अच्छा मोहम्मद आमिर जावेद, अच्छा आप सिर्फ यस बोल दें, अच्छा आपने शायद लिख तो नहीं दिया,
नहीं सर, ये मैंने लिख दिया है कि ताकि बंद ना हो जाए वो। नहीं नहीं, मैं भी हो जाएगा। मोहम्मद आमिर जावेद भी इसके ऊपर भी मेंशन कर देते हैं जो मोहम्मद जामी जामी है वजाहत मिर्जा वली बेग मोहम्मद दानियाल सैयद मोहम्मद दानियाल उसामा अंसारी बिन यामीन। यस सर। जी जी सही है। आशिर जावेद प्रेजेंट। उसके बाद है रिजवान उमर मोहम्मद रिजवान उमर फैजान मोहम्मद फैजान खान मोहम्मद एहसन प्रेजेंट। उसके बाद है आपके पास मोहम्मद हारिस मोहम्मद यासिर मोइन प्रेजेंट। एमन रजी प्रेजेंट सर। भाभी बिल्कुल। रिमशा जो लीव करना चाहते हैं लीव करते हैं। रिमशा खान रिमशा खान नहीं है। अच्छा तलहा जैन प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब प्रेजेंट सर। हाफिज हम्मादुर रहमान सर। हम्मादुर रहमान पहले सेशन में थे वो भी हॉस्पिटल के लिए गए। ठीक है। मोहम्मद नुमान आए हुए नुमान कोमल मोहम्मद नजर नहीं आई। सरयाब अहमद सर। सर ये आपका नेट मसला कर रहा था वो अभी डिस्कनेक्ट हुआ है पन्ने मिनट पहले। इकरा जीनत जवाद अहमद मुगल प्रेजेंट सर। इकरा जीनत है। ठीक है ठीक है सर। ये ओमल ने भी प्रेजेंट बोल दिया नीचे चैट में लिख दिया है ओमल। ठीक है ठीक है ठीक है। और सैयद इबादुल्लाह प्रेजेंट सर। बिलाल खान सर। सर बिलाल और सरिया आप दोनों साथ गए थे। ठीक है। मोहसिन अली प्रेजेंट। और उसके इबाद ओ सॉरी हम्माद आबिद प्रेजेंट सर। वेरी गुड। हम्माद समझ आ रहा है। यस सर। वजाहत हैदर। अच्छा ये तो नीचे आ गए सारे। ठीक है। नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अब नीचे चले गए कोई मसला नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा उसके वजाहत हैदर के बाद है मोहम्मद जैन जैनुल आबदीन प्रेजेंट सर। है प्रेजेंट है। उसके बाद है मोहम्मद हुनैन सर। उनका ना नेट नहीं चल रहा है। अच्छा। अली शेरफ प्रेजेंट। कायनात फातिमा जवेरिया प्रेजेंट सर। आसिफ कसी प्रेजेंट सर। अच्छा आसिफ बड़े खामोशी से क्लास ले रहा है आजकल। शेख हुजैफा अहमद शेख हुजैफा नहीं है। प्रेजेंट। कहाँ लगा दिया नाराज क्यों हो रहे हो। जवेरिया हुसैन सैयद मोहम्मद उजैर। चलो थैंक यू वेरी मच भाई स्टूडेंट आपने इतनी पेशेंस के साथ क्लास ली और मैंने तो खैर काफी मजा आया क्लास लेने में क्योंकि मुझे काफी सुकून होता है ये स्टूडेंट जो है तवज्जो से पढ़ रहे होते हैं किसी को टोकना नहीं पड़ता। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जी सर। सर वो डिस्कशन कब कर रहे हैं। ईमेल करता हूं तुम्हें। ईमेल करता हूं। और कोई बात डिस्कशन है कोई बात सर कोई डिस्कशन बोलो। सर आपने जो अभी हम लोग अभी ये क्रॉस रिलेशन की बात कर रहे थे अभी जब हम लोगों ने जितने हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े हैं लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन ये सारी चीजें जितनी हमने पढ़ी हैं ये वही एक ही टेक्निक पे काम कर रही थी। जी जी होल्ड ऑट पे। हाँ तो यही मतलब इसी पे रहते हुए हम डिफरेंट टेक्निक भी यूज कर सकते। नहीं नहीं फिर आप वो स्प्लिट का मेथड खत्म कर देंगे उस पे। Okay. सिर्फ स्प्लिटिंग का मेथड चेंज करना पड़ेगा ना क्रॉस होल्ड में यानी कि स्प्लिटिंग का मेथड चेंज करेंगे तो वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जी स्प्लिट को खत्म करेंगे क्रॉस होल्ड क्रॉस वैलिडेशन की लाइब्रेरी क्रॉस होल्ड के डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे यानी क्रॉस वैलिडेशन की लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे और अगर वहां पे होल्ड आउट लिख देंगे तो पुराने मेथड पे चले जाएंगे वहां पे के फोल्ड लिख देंगे मेथड पे आ जाएंगे। जस्ट वो स्प्लिटिंग वाला चेंज करना है और तो सेम रहेगा और बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा।
میں اگلی کلاس میں کوڈ لکھواؤں گا اس کا, مطلب یہ میرے پر ڈیو ہے, انشاءاللہ میں کراس ویلیڈیشن کا کوڈ لکھواؤں گا اگلی کلاس میں. سر یہ کراس ویلیڈیشن میں کے فولڈ میتھڈ سب سے بیسٹ ہے یا پھر کوئی بھی یوز کریں تو ریزلٹ ویری کرے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا سیٹ پہ, لیکن زیادہ بہتر میتھڈ جو پاپولر ہے اور یوز ہوتا ہے وہ کے فولڈ ہی ہے. سر ٹھیک ہے سر بولو. سر ہمیں پریسیشن نکالنی ہو تو ہم یہ والے فارمولے سے بھی نکال سکتے ہیں, ٹی این اپون ٹی این پلس ایف این. ہاں لیکن پھر ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہوگی, مطلب اس میں پھر پوزیٹو نہیں, لیکن آنسر سیم آئے گا, آنسر سیم آئے گا جو ہم نے پوزیٹو, نہیں نہیں پوزیٹو والا چینج آئے گا, پریسیشن آنسر ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن یہ اس وقت پریسیشن نیگیٹو ویلیو کے حساب سے دے گا. پھر یہ اب وہ ہمیں پوزیٹو کے حساب سے دے گا. میں سر ہائی ہائی پریسیشن کا مطلب وہ زیادہ مطلب پوائنٹس قریب ہے. ہائی پریسیشن کا مطلب اگر صرف پریسیشن ہائی ہے نا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ گراف میں کس طرح شو ہوا, گراف میں نہیں نہیں میں تو بتا دوں پہلے ایک ہی کر لیں سوال. ہائی پریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ پریسیشن کے اندر جو فارمولا ہے ٹی پی اوور ٹی پی این پلس ایف پی, تو ایف پی کم ہے, فالس پوزیٹیو کم ہے, ہائی پریسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے. صحیح ہے مگر مجھے آپ نے ایک ڈائیگرام دکھائی ہے نا جو ڈارٹ والی ڈائیگرام ہے جس کے اندر آنسرز قریب قریب لکھے ہیں, کیونکہ ہمارا پوزیشن جو ہے ہاں, تو اس ڈائیگرام کا مطلب یہ تھا کہ میں شیئر کرتا ہوں. اچھا سر 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 دانیال کا چیٹ میں میسج آ رہا ہے کہ اس کا مائک کام نہیں کر رہا, دانیال آپ نے اس کو ایبسنٹ مارک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے دانیال کا آئی ڈی بتاؤ سر. ٹاپ پہ تھی میرے خیال سے, ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 تھی. ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں 747409. اس کی میں نے پکچر لے لی ہے تو میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں 7409. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. دیکھو اس پریسیشن کی یہ ڈائیگرام ہے. یس سر. تو اب بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزلٹ آپ کا ہٹ ہو رہا ہے نا, دیکھو آپ کے پریسیشن کا فارمولے کے حساب سے وہ یہ ہے کہ TP over اور سننا TP and plus کیا ہے plus FP. بالکل. اچھا اگر ہائی پریسیشن ہے, مجھے نہیں پتا ایکوریسی کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر ہائی پریسیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ لو ہے, یہ لو ہے, سمجھ آئی بات ہے. اگر ایف پی لو ہے, اب میں اس سے لے رہا ہوں, ایف پی اگر لو ہے تو اس کا مطلب ہے ٹی این ہائی ہوگا. جی سر. ٹی این جو ہے وہ کیا ہوگا, ہائی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹی این ہائی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیگیٹو والے ریزلٹ ہے وہ صحیح طریقے سے پریڈکٹ ہوئے ہیں, سمجھ آئے تھے. اور یہ ہائی اور یہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ نہیں پتا, غور سننا, یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کیسا ہے, اچھا ہے برا ہے یہ نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے, یہ تو بتا رہے ہیں کہ نیگیٹو والا کیسا ہے, لیکن یہ اس وقت تک نہیں بتا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ریکال کی ویلو نہ ہوتا ہے کہ یہ کم یعنی برا ریزلٹ ہو, بہت تھوڑے ریزلٹ صحیح ٹرو پوزیٹو میں ہو. لیکن غور سننا, لیکن جو بھی ہوگا وہ یہ والے اور یہ جو ریزلٹ آپ کے پاس ہیں یہ والے, یہ پریسائز ہوئے ہوئے ہیں, یعنی ایک ہی جگہ مارک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی ایکوریسی سے دور تو ہیں لیکن پریسائز ریزلٹ دے رہے ہیں. بہت پریسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ہے اس وہی ریزلٹ پروڈیوس کر رہے ہوں جس کے بارے میں بات ہو. ابھی تھوڑا سا میں اس وقت سمجھانا تھوڑا ظاہر ڈیفیکلٹ تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پورا سمجھ میں آئے گا, لیکن یہ ایک بیسکلی ایمبیگیوٹی ایسی ہے کہ آپ جب تک خود اس کو ایک دفعہ ریڈ سوچ کے نہیں کرو گے نا تو آپ نہیں سمجھ سکتے, کسی کے بولنے سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ایشوز ہیں. ہاں دانیال میں نے لکھ لیا 7409, میں نے لکھ لیا 7409. ٹھیک ہے دانیال بھائی, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال کرو اور گھر سے کام سے کام نکلے, اللہ حافظ. دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور بور ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, بس آپ پڑھنے پہ دل لگائیں. اچھا ہاں سر, یہ یاد آیا ایچ ایس سی نے ابھی کچھ اناؤنسمنٹ کری